नमस्कार दोस्तों, अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, बता दें राजस्थान वासियों के लिए नवरात्रे बेहद ही खास रहने वाले हैं, क्योंकि नवरात्रों में नया सीएम चेहरा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों संशय बरकरार है, क्या सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं राजस्थान की। गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो राजस्थान का दोस्तों आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ दिन पहले तक इस सवाल के जवाब में एक ऑप्शन मजबूती से दिया जा रहा था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात के बाद राजनीति के गलियारों की हवा में एक और नाम तैरने लगा है, जिसका नाम है सीपी जोशी। मुख्यमंत्री पद के लिए जोशी के नाम की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि अब भी 19-20 के लेवल पर बात करें तो फिलहाल पायलट ही 20 नंबर नजर आ रहे हैं। साथियों, ये चर्चाएं जब शुरू हुई जब गहलोत ने सोनिया राहुल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने के संकेत दिए थे। सूत्रों के अनुसार दोनों ने गहलोत को मुख्यमंत्री पद छोड़कर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को संभालने को कहा। राजनीति के पंडित भी ये दावा कर रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री पद को लेकर बात हुई तो गहलोत ने दोनों को सीपी जोशी का नाम सुझाया। हालांकि राजनीतिक गलियारों में एक और बात तेजी से फैल रही है कि गहलोत के 3 दिन के दौरे के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटा आसरा जिस तरह साथ दिख रहे हैं, ऐसे में उनकी भूमिका भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अभी अभी इस वक्त का सबसे जो बड़ी खबर है और जो मंत्री गुडा हैं उनके द्वारा दोस्तों बड़े संकेत दिए गए हैं, और उनके द्वारा दोस्तों अभी अभी फिलहाल बताया गया है कि नवरात्रों में जो सीएम हैं वो पायलट बन सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये कॉमेंट आया मंत्री गुडा का, तो दोस्तों राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं और भी तेज हो गई। और अभी तक की अगर बात तो दोस्तों जो सचिन पायलट जी हैं उनका नाम सबसे पहले आ रहा है। दोस्तों वैसे आपको हर पल की अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल अभी ही सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों आप भी देखिए, राजस्थान की जनता हैं तो आप भी बताइए कि राजस्थान का जो अगला सीएम फेस है वो कौन होना चाहिए, सीपी जोशी होना चाहिए या सचिन पायलट जी होनी चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अवश्य बताएं। पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।